हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। आज है 10 सितंबर 2024 और आज के 11 अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहां पर आ चुका हूं। चलिए शुरू करते हैं पहले अपडेट के साथ। तो रही पहले अपडेट, हिमाचल में 15 रुपये और महंगा हुआ सीमेंट। सीमेंट कंपनियों ने 20 दिन में दूसरी बार बढ़ाए दाम। पहले 10 रुपये प्रति बैग की बढ़ोतरी यहाँ पर हुई थी। पड़ोस में भी असर, पहली बार पंजाब में भी बड़े भी हुए दाम हुए लागू होंगे लागू। तो यहाँ पे हिमाचल में सीमेंट 15 रुपये और महंगा हो गया है, पंजाब में भी दाम बढ़े हैं। ACC, अंबुजा और अल्ट्राटेक कंपनी ने 20 दिन में दूसरी बार अपने दाम जो है बढ़ाए हैं। इससे पहले कंपनियों ने 10 रुपये बढ़ाए थे। 15 रुपये दाम बढ़ने और ढुलाई भाड़े के साथ पर्यटन नगरी मनाली में सीमेंट बैग अब 35 से 45 रुपये तक महंगा हो गया है। तो यहाँ पर कीमतें लिखी हुई हैं, कौन सा जो सीमेंट का बैग था अब कितने का हो गया है, ये आप यहाँ पर राइट साइड में देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट अपडेट ये रही, TGT के 1239, LT के 238 और कला शिक्षकों के 686 पद खाली यहाँ पे हैं। तो शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि प्रदेश में TGT के ये वैकेंसी जो है खाली है। विधायक लोकेंद्र कुमार के सवाल पर लिखित जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि स्वीकृत पदों में TGT के 16623, LT के 3193, DPE के 1576 और कला शिक्षकों के 4487 पद जो है यहाँ पे खाली हैं। कला शिक्षकों के 881 पद राजकीय माध्यमिक पाठशालाओं में पूल में रखे गए हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। और शिक्षा मंत्री ने बताया कि सभी रिक्त पदों को चरणबद्ध तरीके से भरने के प्रयास जारी हैं। नेक्स्ट अपडेट, हिमाचल में 92,364 घर बनाने को केंद्र की मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश के लिए 92,364 घर बनाने की मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आगामी 5 और वर्षों के लिए इस योजना को लागू किया जाएगा। योजना के तहत एक घर को बनाने के लिए 1.5 लाख रुपये तक मदद मिलती है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के उप महानिदेशक ग्रामीण गृह गया प्रसाद ने इसके लिए सभी राज्यों को पत्र लिखे हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट ये रही, HRTC बसें बंद होने से 1500 परिवार होंगे प्रभावित। निजी स्कूलों के लिए बसें बंद कर रहा है निगम, लोगों ने जताया फैसले का विरोध। 2200 विद्यार्थी जाते हैं HRTC बसों में स्कूल। तो राजधानी शिमला के निजी स्कूलों में पढ़ने के लिए आने वाले विद्यार्थियों को HRTC बस सेवा अगले शैक्षणिक सत्र से बंद हो सकती है। इससे शहर के करीब 1500 परिवारों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए 5 से 10 गुना तक अधिक खर्च करना होगा। नेक्स्ट अपडेट ये रही, हिमफेड ने कमाई के तोड़े रिकॉर्ड, व्यवसायिक घराने भी पीछे छोड़े। 1 करोड़ की संपत्ति पर हर साल मिल रहे हैं 35 लाख रुपए। लीज लेने वाले उद्योग निगम का मुनाफा महज 6%। हिमफेड की संपत्ति में सामान्य उद्योग निगम का चल रहा है शराब का प्लांट, हर साल बढ़ रहा मुनाफा। नेक्स्ट अपडेट ये रही, 2 साल के रोजगार का आंकड़ा बताएं ललित। शिमला में जुटे युवा, मांगे रोजगार संघ के कार्यकर्ता। बोले आउटसोर्स और रिटायरमेंट के बाद पुनः रोजगार की प्रथा को किया जाए समाप्त। तो यहाँ पे प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार भी स्थायी रोजगार की सरकार से मांग उठाने के लिए संगठित होने लगे हैं। सोमवार को चौड़ा मैदान में मानसून सत्र के दौरान युवा मांगे रोजगार संघ के पदाधिकारियों ने मांगे उठाई हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार 2 सालों में दिए गए रोजगार के आंकड़े सार्वजनिक करे, पब्लिक करे। उन्होंने कहा कि सरकार यदि स्थायी रोजगार नहीं दे सकती तो बताएं कि जो दिन रात प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो कहाँ जाएं। रोजगार नहीं दे सकते तो गोली मार दो, ऐसा यहाँ पे कहा गया है, आप पढ़ सकते हो। ओके, और नेक्स्ट बात करें तो 1.5 लाख पेंशनरों को आज मिलेगी पेंशन। स्कूल शिक्षा बोर्ड में पेंशन में जुड़ेगी अनुबंध अवधि। DA और एरियर को लेकर राज्यपाल से मिले पेंशनर। नेक्स्ट अपडेट ये रही, परख की मुख्य परीक्षा से पहले स्कूलों में होंगे 3 मॉक टेस्ट। शिक्षा विभाग ने परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण में रैंक सुधार के लिए शुरू की पहल। 3री, 6री और 9वीं के विद्यार्थियों का होगा पहला टेस्ट। नेक्स्ट अपडेट ये रही, शास्त्री के पदों के लिए 43 ने करवाई दस्तावेजों की जाँच। तो ये पूर्व सैनिक कोटे से शास्त्री के 26 पद भरने की काउंसलिंग हुई है। तो यहाँ पे 43 अभ्यर्थी यहाँ पे आए थे काउंसलिंग में भाग लेने के लिए। नेक्स्ट अपडेट ये रही, BTech की खाली सीटों के लिए स्पॉट काउंसलिंग आज। तो हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय HPTU में ये काउंसलिंग होगी। EC की बैठक स्थगित, फिर से तय होगी तिथि। तो EC की जो HPTU की बैठक होती है वो स्थगित हो गई है, अब फिर से नई तिथि इनकी तय होगी।
नेक्स्ट अपडेट, बंद स्कूलों के भवनों में खुलेंगे जिम, पुस्तकालय। पुस्तकालय में पढ़ाई के साथ साथ युवा जिम में कर सकेंगे कसरत। दूसरे कार्यों और विभागों को नहीं दी जाएगी स्कूलों की संपत्तियां। नेक्स्ट अपडेट ये रही, इंतजार खत्म, पैरा मेडिकल के लिए काउंसलिंग शुरू। अटल मेडिकल विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा पास करने वाले युवाओं को मिली बड़ी राहत, दो चरणों में काउंसलिंग। एक माह से नहीं हो रही थी काउंसलिंग, पहले राउंड के लिए भरे जा रहे हैं कॉलेज विकल्प। खेल परिषद की बैठक आज, छात्र होंगे सम्मानित, HPO। इसके बाद बात करें अग्निवीर भर्ती, तो ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा परिणाम। जो अग्निवीर भर्ती थी उसका जो रिजल्ट है वो आपकी ईमेल आईडी के ऊपर भेजा जाएगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो ये थी दोस्तों आज की अपडेट्स। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।